स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये एप्लीकेबल होता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। सो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें होता क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दैट इज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये इसके लिए एक कंडीशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में फॉलो करता है। इम्पॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे भी स्पेस स्टार बना देते हैं ताकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये फॉलो करता है। अब इसको आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक अ एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर। इसको हमने बैलेंस कर लिया है, बैलेंसिंग कर ली है। अब इसका मास चेक करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। चेक करने के लिए हमें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 U, और एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन का होता है 16 U। सो यहाँ पर हम देखते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट जनरली इट इज़ इन ग्राम्स। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस यूनिट्स को लिखना ज़रूरी है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट 2 2s are 4 एटम्स, मीन्स 4 × 1 प्लस अटोमिक मास इज 16, 16 × 2 is 32, 16 × 2 4 + 32 = 36 अटोमिक मास यूनिट और यू। AMU का मतलब अटोमिक मास यूनिट और यू, जो कि यहाँ पे लिया है मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने यहाँ पे देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट 36, एटॉमिक मास यूनिट और यू आया है। अब प्रोडक्ट साइड का चेक कर लेते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं 2, बाहर ले लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एटॉमिक मास 1 है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 2, 2 × 1 is 2 प्लस 16, 16 + 2 is 18, 18 + 2 is 36 अटोमिक मास यूनिट और यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि अटोमिक जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। कब? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कब हुआ है ये? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एप्लीकेबल जब ही है जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास देखा 1 होता है, यू और
और एएमयू का मीनिंग ये है कि जब लास्ट में लिखेंगे कंप्लीट आंसर तो वहाँ पे एएमयू और यू लिखेंगे, वो उसकी यूनिट होती है। सिमिलरली मास ऑफ प्रोडक्ट देखा, यहाँ पे भी 36 आया है, सो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों का मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक और डिफरेंट एग्जांपल लेके चेक करते हैं। इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 × 1 प्लस क्लोरीन के दो आइटम है 2 × 35.5, 2 प्लस 71 प्लस 2 73, यहाँ भी चेक करते हैं 1 प्लस 36.5। तो यहाँ पे हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा फॉलो होता है कब, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे भी देखें ये कब फॉलो हो रहा है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कब है एप्लीकेबल है, व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा, बैलेंसिंग कर दी उसके बाद, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला 36 AMU, AMU इसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है। तो इधर से सॉल्व किया 36, सिमिलरली इसको सॉल्व किया 36। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ HCl बना, इसको सिंप्लीफाई किया 73 AMU एटॉमिक मास यूनिट और U, और U HCl का लिया, सिंप्लीफाई किया 73 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एक टॉपिक डिस्कस हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस टाइम।